पाकिस्तान पर मिसाइल गिरने की विवाद के बीच भारतीय वायुसेना के लिए एक शानदार खबर आई है। भारतीय वायुसेना के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का अपग्रेडेड एयर लॉन्च वर्जन तैयार करने जा रहा है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी, यानी हमारे फाइटर जेट हवा में रहते हुए दुश्मन के ठिकाने को इतनी दूर से ही ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान में मिसाइल गिरने के बाद क्या होगा भारत का अगला कदम, और ब्रह्मोस को लेकर क्या भारत सरकार का बड़ा बयान, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूँ आयुष। दरअसल उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों ने इंडिया टुडे को बताया कि पाकिस्तान में गिरी ब्रह्मोस मिसाइल तकनीक गलती थी। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय कमांड एयर स्टाफ इंस्पेक्शन चल रहा था। मिसाइल पाकिस्तान की जमीन पर गिरी जिससे बेहद कम नुकसान हुआ, किसी की जान नहीं गई। इस हादसे के बाद भारतीय सरकार ने पाकिस्तानी सरकार को घटना पर खेद जताते हुए जिम्मेदारी ली है। भारत सरकार ने कहा कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। भारत लगातार टैक्टिकल मिसाइलों की रेंज को बढ़ा रहा है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने से ही मिसाइल की रेंज में 500 किलोमीटर की बढ़ोतरी होती है। सुपरसोनिक मिसाइलें तैनात की गई, ये मिसाइलें बेहद सटीक और ताकतवर है। ये दुश्मन के कैंप को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। पिछले साल 8 दिसंबर 2021 को वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया गया था। मिसाइल के तय मानकों को पूरा करते हुए दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट में लगाए गए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पूरी तरह से देश में ही विकसित किया गया है। इसमें रेमजेट इंजन तकनीक का उपयोग किया गया है ताकि इसकी गति और सटीकता और ज्यादा घातक हो जाए। इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण जुलाई 2021 में किया गया था। भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट्स में भी ब्रह्मोस मिसाइलें लगी है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइलों को मिकोयान MiG-29 के हल्के लड़ाकू विमान तेजस और राफेल में भी तैनात करने की योजना है। इसके अलावा पनडुब्बियों में लगाने के लिए ब्रह्मोस के नए वेरिएंट का निर्माण जारी है। अगले साल तक इन फाइटर जेट में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करने की तैयारी पूरी होने की संभावना है। अब पहले आपको ब्रह्मोस की खासियतें बता देते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल 3000 किलोग्राम वजनी एक परमाणु मिसाइल है। 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की दूरी पर बैठे दुश्मन पर अचूक निशाना लगाती है। इसकी गति इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है और ये 4300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है, मतलब 1.20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। और अगर एक बार ये मिसाइल दाग दी जाए तो दुश्मन को बचने का या फिर हमला करने का मौका नहीं मिलता। खैर, ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है, चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है ये मिसाइल। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। सिर्फ रडार ही नहीं, यह किसी भी अन्य मिसाइल प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है। इसको मार गिनाना लगभग नामुमकिन है।